दोस्तों, कभी आपने देखा है बदमाश बंदर या फिर फीमेल पेंगुइन या फिर किसी मरते हुए व्हेल को? अगर नहीं तो ये वीडियो पक्का आपके लिए हम लेकर आए हैं। दोस्तों, इस बात को हम भली प्रकार से जानते हैं और खुद फॉलो भी करते हैं कि ये समाज एक नियम और कानून से चलता है, लेकिन ऐसा नियम कानून सिर्फ हमारी दुनिया में नहीं होता, ऐसा नियम कानून जानवरों में भी होता है। इन जानवरों के कुछ अलग रूल, रेगुलेशन और ट्रेडिशन होते हैं। दोस्तों, कभी अगर आपने एक चीज नोटिस की है तो हमेशा ही ध्यान दिया होगा कि ये जानवर हमेशा ग्रुप में चलते हैं, जैसे कि शेर, मछलियां या फिर पक्षी। ये उनका एक साथ होना ही उनके ज्यादा दिनों तक जिंदा रहने की तमन्ना को पूरा करता है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं जानवरों का ट्रेडिशन जो बहुत ही बखूबी मानते हैं और निभाते भी हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा क्या ऐसा जानवरों में भी होता है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आप कौन सा तथ्य सबसे ज्यादा चौंका देने वाला मानेंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम अक्सर ही समुद्र के किनारे बड़े बड़े व्हेल्स के मरने की खबरें सुनते हैं, जरूर आपने भी सुनी होंगी। साथ ही ऐसे खबरों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। रिसर्चर हमेशा ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। हम इस बात को जानते हैं कि व्हेल और डॉल्फिन आकार में बड़े जीव हैं और इनका वजन टन में होता है, लंबाई भी कई मीटर होती है। अगर रिसर्चर की बात मानी जाए तो ये जीव वापस अपने घर जाने के लिए बहुत ही गर्म पानी से ठंडे पानी में जाने के लिए एक तरंग का यूज करते हैं। ये व्हेल और डॉल्फिन किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए साउंड वेव छोड़ती है, साथ ही जब रास्ते में कोई चीज आती है तो वेव वापस उन तक लौट आती है। सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो इन मछलियों के पास खुद का एक अपना सोनार सिस्टम होता है, जो कि एक साथ जुड़े रहने में या फिर समूह में रहने के लिए मददगार साबित होता है। लेकिन दोस्तों, हम इंसानों ने सबको परेशान कर रखा है, हमने अर्थ पर पॉल्यूशन फैला रखा है, पेड़ों को काट दिया है और अब हम मछलियों को भी नहीं छोड़ रहे। जी, आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमारी क्या गलती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हम इंसान द्वारा समुद्र में किए जाने वाले सोनार और बड़े बड़े इक्विपमेंट से निकलने वाले अल्ट्रासोनिक वेव की मदद से व्हेल और डॉल्फिन जैसे जीव अपना रास्ता भूल जाते हैं और अपने समूह से भटक जाते हैं। उसके बाद वो ज्यादा गहराई वाले पानी से हटकर कम पानी में आ जाते हैं और फिर बहकर बीच पर मर जाते हैं। दोस्तों, रिसर्चर की माने तो हमारा लगातार और तेजी से समुद्र में बढ़ता खलल व्हेल और डॉल्फिन जैसे जीवों के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। समुद्र में साउंड वेव और साथ ही रेडिएशन का बढ़ना व्हेल और डॉल्फिन जैसे जीव ना तो रास्ता भटककर सिर्फ मर जाते हैं, बल्कि उनके प्रजनन और खाना खोजने के तरीके पर भी फर्क पड़ता है। साथ ही रेडिएशन उनके आवाज के लिए बड़ी खतरनाक है। अब आते हैं पेंगुइन्स पर। दोस्तों, पेंगुइन साउथ पोल और नॉर्थ पोल और ठंडे इलाकों में पाए जाने वाले प्राणी है। ये बहुत ही शांत और हजारों की संख्या में एक साथ रहने वाले जीव है। पेंगुइन्स एक पारिवारिक जानवर माना जाता है, जो अपने पारिवारिक जीवन को एक साथ मिलजुल कर जीते हैं। जहाँ फीमेल पेंगुइन अंडा देती है, वहीं मेल पेंगुइन भोजन का इंतजाम करता है। मेल पेंगुइन समुद्र में से मछलियां और झींगे जैसी मछलियों को अपने पेट के लिए इकट्ठा करते हैं, फिर वो फीमेल पेंगुइन के पास जाकर वो उन सबको उगल देता है। इस प्रकार ये फीमेल पेंगुइन अंडे पर बैठे बैठे भोजन कर लेती है। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, ये फीमेल पेंगुइन मदरहुड का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है। इनकी गिनती दुनिया की सबसे अच्छी मदर में होती है। ये अंडे को तब तक नहीं छोड़ती जब तक कि अंडे से बाहर एक और पेंगुइन ना आ जाए, और इनका अंतराल लगभग 3 से 4 महीने का होता है। ये पेंगुइन हमेशा ही आपको एक साथ दिखेंगे, चाहे जितनी भी ज्यादा ठंड क्यों ना हो, इसलिए इन्हें फैमिली पेंगुइन कहा जाता है। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, इन पेंगुइन का एक समय के बाद पंख झड़ जाते हैं और फिर कुछ समय बाद नए पंख भी निकल आते हैं। पर सबसे खास बात यह है कि जब तक इनके नए पंख नहीं आते, तब तक ये पानी में नहीं जाते। दोस्तों, पेंगुइन्स एक ऐसे जीव है जिन्हें इंसान से डर नहीं लगता, ये आराम से इनके पास चले जाते हैं। दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही होगी कि पेंगुइन बर्ड्स में काउंट होते हैं, लेकिन ये उड़ नहीं पाते, बल्कि बहुत अच्छे गोताखोर होते हैं। बात तो जानवरों की और उसमें जंगल का राजा ना है कैसे हो सकता है कि नहीं। दोस्तों, शेर हमारे लिए हमेशा से एक बहुत इंटरेस्टिंग जानवर रहा है। इसके नाम को सुनकर हमें डर ही क्यों ना लगता हो, शेर लगभग एक बार में 20 किलो मांस खा जाता है। शेर रात को सिर्फ आराम करता है, साथ ही जब इनका पेट भरा होता है तो ये बैठना और आराम करना पसंद करते हैं। दोस्तों, शेर झुंड या समूह में रहते हैं। संख्या की बात करें तो एक झुंड में 5 से 15 हो सकते हैं। मेल शेर समूह के सीमा की रक्षा करता है, जबकि शिकार करने का काम ज्यादातर शेर नहीं करती है।
पूरा दिन शेर अपनी शेरनी और बच्चों के साथ आराम करते हैं। दोस्तों ये शेर 81 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है, साथ ही साथ इसकी छलांग कम से कम 36 फीट हो सकती है। दोस्तों कभी कोई शेर अकेला पड़ जाए या फिर झुंड से बाहर निकल जाए तो उसके खाने के लाले पड़ जाते हैं। दोस्तों ये शेर भी दल बदलू होता है, ये भी समय समय पर अपना समूह बदलते रहते हैं। इतना ही नहीं, ये शेर अपने इलाके को लेकर बहुत ही सावधान रहते हैं, इसलिए अपने इलाके में किसी और शेर को रहने नहीं देते। गलती से अगर इनके इलाके में कोई दूसरा शेर आ गया तो फिर ये उस शेर को मार भी डालते हैं या भगा देते हैं। इतना ही नहीं, इनके झुंड में एक मुखिया भी होता है। मुखिया सबसे ताकतवर शेर ही बनता है। मुखिया और झुंड के शेरों में आपस में हमेशा लड़ाई रहती है। अगर मुखिया हार जाता है या तो उसे मुखिया की तरह काम करना पड़ता है या फिर उस झुंड को छोड़ना पड़ता है। बचपन में आपने मिकी माउस क्लब तो देखा ही होगा, उसमें आपको डोनाल्ड का कैरेक्टर तो जरूर याद होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, हम बात कर रहे हैं स्वान की। दोस्तों क्या आप सच में सामना बतकों से हुआ है आपका? पानी में गोल गोल ठुमक ठुमक के चलने वाले पक्षी बतख ही है। जब एक साथ झुंड में तैरती है तो ऐसा लगता है मानो एक नाव चल रही हो। दुनिया में कम से कम बतकों की लगभग 40 प्रजातियां हैं। इनका कलर, रहन सहन सब अलग अलग होता है। आपने इन बतकों को हमेशा झुंड में देखा होगा, साथ ही इनको जोड़ों को प्यार की निशानी भी माना जाता है। ये हमेशा अपने प्यार के साथ होती हैं। गलती से दोनों में से किसी एक की मौत हो जाए तो दूसरा अपने आप ही मर जाता है। कई बार इनको अपने पार्टनर के मरने का दुख इतना होता है कि खुद को मारने के लिए सड़कों पर आ जाते हैं या फिर ऊंचाई से उड़कर जानकर किसी ठोस वस्तु से टकराकर अपनी जान दे देते हैं। अब आते हैं सबसे चर्चित और बदमाश जानवर बंदर पर। हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी बंदर को तो देखा ही होगा। हम सब ने बंदरों की मस्ती भी देखी है और बंदरों से परेशान लोगों को भी देखा है। ये जानवर बड़े नटखट, समझदार और चालाक नेचर के होते हैं। बंदरों की बहुत सारी हरकत हम इंसानों से मिलती जुलती है, लेकिन क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कैसे बंदर एक साथ झुंड में रहते हैं, साथ ही कैसे अपने बच्चों की देखभाल करते हैं? दोस्तों रिसर्चर ने एक बार बंदरों के झुंड में रोबोट बंदर के बच्चों को छोड़ दिया। उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही अनोखा था, क्योंकि उस रोबोट के बंदर के पास सारी फीमेल बंदर आ गई। ट्विस्ट तो तब आया जब छोटे छोटे बंदर उस रोबोट बंदर के साथ खेल रहे थे, तभी वो रोबोट बंदर गिर गया। एक के बाद एक फीमेल बंदर आई, उन्होंने रोबोट बंदर को देखा। जब उन्हें लगा कि वो मर गया तो सब दुख जताने लगे। इस बात से पता चलता है बंदर भी हम जैसे दुख मनाते हैं। अब आते हैं दोस्तों पांडा पर। ये पांडा सबसे क्यूट जानवरों में से एक माना जाता है। लगभग बच्चों से लेकर बड़े सभी को पांडा पसंद है। लेकिन दोस्तों ये तब भयानक रूप ले लेते हैं जब कोई ट्विंस इनके सामने आ जाए। जी हाँ, जब ये अपने बच्चों को पैदा करती है तो ये सिर्फ अपने एक ही बच्चे का ख्याल रखती है और दूसरे बच्चों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देती है। ये आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन सच है। हम इंसानों ने इनका हल निकाल लिया है। जब भी फीमेल पांडा जन्म देती है तो उसमें से एक बेबी पांडा उसके पास ही छोड़ दिया जाता है और दूसरा बेबी पांडा डॉक्टर्स ले जाते हैं ताकि दूसरा बेबी पांडा न मर जाए। दोस्तों ये जानवरों के कुछ ट्रेडिशन जो हम आपको सबसे ज्यादा अचंभित कर देते हैं। आपको इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा अजीब लगा कमेंट में बताइए। साथ ही आपको वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो तो नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।